श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि सरदार पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब हमारे भारत के, आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए, क्या वजह थी, जबकि वो कैपेबल थे, हमारे हिसाब से कैपेबल थे। देखिए, डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में अपना मत रखने का हमको पूरा अधिकार, ये मेरा अपना विचार है, हम किसी के अगेंस्ट में नहीं कह रहे हैं और ना तो हम किसी के फॉर में कह रहे हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा है उसी के हिसाब से कह रहे हैं। ठीक है, सरदार पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय रियासतों का विलय कराकर देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित किया जाने का श्रेय दिया जाता है। आज़ादी में जो योगदान दिया वो तो दिया ही है, लेकिन आज़ादी के 69 सालों बाद भी ये बहस नहीं थमी है कि अगर जवाहरलाल नेहरू के बजाय सरदार पटेल साहब अगर देश के प्रधानमंत्री बने होते तो क्या होता। इस सवाल का जवाब पाना संभव नहीं है, क्योंकि इतिहास में जो हो चुका है वो हो चुका है, जो नहीं हुआ है वो होता तो क्या होता, इसका जवाब पाने का कोई तार्किक तरीका नहीं है, आप सिर्फ अपना मत पेश कर सकते हैं। लेकिन पटेल के भारत के पहले पीएम बनने की अटकल हवाई नहीं बल्कि ठोस तथ्यों पर आधारित है, और ये मानने के ठोस आधार है कि अगर महात्मा गांधी जी ने नेहरू का अलोकतांत्रिक समर्थन न किया होता तो इतिहास कुछ और हो सकता था। नेहरू जी की रूमानी छवि के उलट पटेल साहब की छवि एक व्यवहारिक प्रशासक की थी। कांग्रेस पार्टी का व्यवहारिक कामकाज पटेल साहब देखते थे। 1946 में साफ हो गया था कि भारत आज़ाद होने वाला है, और यह भी तय था कि 1946 में जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा वही देश का पहला प्रधानमंत्री होगा। 1946 के चुनाव में कांग्रेस को चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी, लेकिन मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम लीग को भारी जीत मिली थी। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 1940 ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत छोड़ो आंदोलन और दूसरे विश्व युद्ध जैसे कारणों से पिछले कई सालों से कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हुआ था। 1946 में जब अध्यक्ष पद का चुनाव होने के बाद शुरू हुई तो कलाम फिर से अध्यक्ष बनने की इच्छा जाहिर की, लेकिन गांधी जी ने उनकी उम्मीदवारी का समर्थन नहीं किया। ये सभी को मालूम था कि गांधी जी नेहरू जी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहते थे, अभी तक के इतिहास में यही लिखा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 29 अप्रैल 1946 थी। कांग्रेस अध्यक्ष का नामांकित कांग्रेस की 15 प्रादेशिक और क्षेत्रीय कमेटियों को करना था। नेहरू जी को गांधी जी का पूरा समर्थन है ये जानने के बाद भी किसी भी प्रादेशिक या क्षेत्रीय कमेटी ने नेहरू जी का नाम नामित नहीं किया था। 15 से 12 कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम नामित किया था। 3 कमेटियों ने किसी का भी नाम नामित नहीं किया था। महात्मा गांधी ने इसे अपने लिए चुनौती मान लिया। गांधी जी ही पहले भी कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ऊपर अपनी मर्जी थोप चुके थे। एक बार 1939 में लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस की जीत को गांधी जी ने अपनी हार बताते हुए उन्हें इस्तीफा देने को मजबूर कर दिया था। 1946 में भी यही हुआ। गांधी जी ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ऊपर अपनी मर्जी थोपी और पटेल जी को कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनने दिया गया। पटेल गांधी जी के आज्ञाकारी अनुयायी थे, इसलिए उन्होंने गांधी जी के फैसले को बगैर किसी शिकवा शिकायत के स्वीकार कर लिया। ऐसे में क्या ये अनुमान लगाना गलत होगा कि अगर गांधी जी एक नाइंसाफी नहीं करते तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री हो सकते थे। बहरहाल पटेल साहब भले ही पहले प्रधानमंत्री न बने हों, लेकिन 15 दिसंबर 1950 को दुनिया से अलविदा कहने से पहले भारतीय रियासतों का विलय कराकर वो इतिहास में सदा के लिए अमर हो गए। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए, धन्यवाद। और ये पूरा मेरा अपना मत है, किसी के अगेंस्ट में नहीं है, किसी के फॉर में नहीं है,
जो हमने पढ़ा है, जो हमने अभी तक पढ़ा है, ये डेमोक्रेसी है, हमने वही कहा है। तो धन्यवाद।